स्टीफन कॉन्स्टाइन, स्टीमैक, जुआन, हाबास, मोलिना एंड मानोलो, ये सात कोचेज जो है उनको रेगुलर खिलाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। कोई भी कोच आता है वो मनवीर को सिलेक्ट करता है, क्यों है, क्या वीडियो है वो तो नहीं है, किस चीज के लिए, कैसे होता है ये चीज, कुछ तो लफड़ा है, वही लफड़े के बारे में बात करेंगे। मेरे हिसाब से तो ही डजंट डिजर्व इन मोहन बगान टीम, इवन ही डजंट डिजर्व इन योर इंडियन टीम। और मैं जो फैन हूँ, आप भी फैन हो, आपका भी ओपिनियन होगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट कोचेस का क्यों एक अलग ही पर्सपेक्टिव है, हर कोई उसको सिलेक्ट करता है, सात या आठ कोचेस जो है उसको सिलेक्ट करते हैं और वो रेगुलर होता है, क्या रीजन है? तीन ऐसे रीजन है जिसके लिए कोचेस उनको सिलेक्ट करते हैं, और ये तीन पॉइंट जो है बात करेंगे। और द लास्ट वन जो है ना वो इंडिया के रिलेटेड है, इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड है, इंडियन टीम के रिलेटेड है। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट मिस आउट द लास्ट पॉइंट एंड सब्सक्राइब इंडियन फुटबॉल बाय सब्सक्राइबिंग प्रोफेसर कलिंगा। देखिए थर्ड पॉइंट सबसे सबसे नॉर्मल पॉइंट है, वो है मेहनती प्लेयर है भाई, बहुत भागता है वो, कोई डाउट है नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं, एटीट्यूड में कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ रिसेंट में उसका इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही है, बस उसकी एटीट्यूड तो टॉप क्लास है। हवास के अंडर जब काम किया है आपको पता ही होगा कि भाई हवास ऐसे कोई एरे गेरे प्लेयर को भाव नहीं देते हैं, वो बंदे में है भाई। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यू नो ही ऑलवेज यू नो इन द गुड बुक ऑफ द कोच। सेकेंड ही इज अ वर्सेटाइल प्लेयर, इट मीन सेंस के वो बहुत से पोजिशन में ना अपने आपको खेल सकता है, वो राइट विंग बैक खेल सकता है, इवन लेफ्ट विंग बैक भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है। अभी तो मैंने ये भी देखा है लास्ट सीजन, वो इन्वर्टेड राइट विंग बैक भी खेल सकता है। इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि ही हैज ए पोटेंशियल ऑफ प्लेइंग इन लॉट ऑफ डिफरेंट पोजिशन, इसके वजह से उसको हर कोई पसंद करता है, और क्यों ना करे, वो भाई डिजर्व भी करता है, बिकॉज इंडियन टीम के प्लेयर से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, आप बस यही एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो मेहनती हो, अपना ढंग काम जो ढंग से कर ले, 10-50 गोल तो मारना नहीं है इनको, बस सपोर्टिंग रोल करना है, एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग हियर राइट, और दैट सेज इट ऑल। और वो लेफ्ट फुटेड है, राइट फुटेड है, ठीक है, नॉर्मली वो राइट फुटेड है बट वो लेफ्ट फुट में भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो मोहन बगान में वो खेल लेता है। और उसके शॉट्स देखो भाई, भाई वो शॉट्स देखो 76-70, मतलब 135 मैच में ऑलमोस्ट 140 शॉट मार चुका, मतलब हर मैच में एक शॉट मारता ही है, सो डरता नहीं है। दैट इज द सेकंड रीजन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द फर्स्ट रीजन इज कि वो इंडियन फुटबॉल में ना, अभी सुनील छेत्री जी थे जब और जाने के बाद भी, ही इज द ओनली गाय हु हैज हु कोच थिंक के सब्स्टिट्यूट ऑफ सुनील छेत्री जी, क्योंकि अब देखो रहीम अली, ईशान पंडित कहाँ गुम हो गए, शिव शक्ति गुम हो गया, ऐसा कोई प्लेयर नहीं जो रेगुलरली खेल रहा है अपने नो टीम में, अपने नो नो क्लब में, ये बंदा रेगुलर खेल रहा है, कोचेस के फेवरेट है, अब उसको क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली सिलेक्ट करेंगे, और चांस नहीं है ना, सुनील छेत्री जी के बाद अब कौन है, रहीम अली नो योर दिस गाय मनवीर, ये सब तो सेम कैटेगरी के हैं, उल्टा रहीम अली को सिलेक्शन ही नहीं मिल रहा है जब खेलने के लिए, अभी तो उड़ीसा में आए फिर भी बेंच हो गया, तो आपके पास ऐसा कौन सा प्लेयर जो रेगुलर खेल रहा है एंड ही कैन बी प्लेइंग एज स्ट्राइकर, नहीं है कोई, एंड दैट इज द मेन रीजन ही इज इन द टीम, एंड व्हाई नॉट, 135 मैच का एक्सपीरियंस है, 21 गोल मारा है, 15 असिस्ट किया है, ही कैन स्वैप हिज प्लेस विद लेफ्ट विंग राइट विंग एंड सेंटर एज अ स्ट्राइकर, तो ही हैज नॉट द बेस्ट, बट बिकॉज ऑफ दैट के वो यू नो मास्टर ऑफ नॉन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ऐसे जो होते हैं ना वो टाइप के हैं प्लेयर, इसी का मेन रीजन है कि स्टीफन कॉन्स्टाइन, स्टीमैक, जुआन, हाबास, मोलिना एंड मानोलो, ये सात कोचेज जो है उनको रेगुलर खिलाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं।